हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सीयूसेट 2020 के रिगार्डिंग आप में से कई लोगों ने एक सवाल पूछा है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सीयूसेट 2020 में जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है और किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या खासियत है। इन सारे सवालों के जवाब में ये खास वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो NIRF रैंकिंग जो होती है उसको सबसे ऊपर माना जाता है। उसी के रैंकिंग के आधार पे आप जज कर पाते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन से कम अच्छी है और कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन है पूरे देश में, कोरोना महामारी फैली हुई है, इसलिए इस बार NIRF रैंकिंग नहीं आई है। लेकिन इसी बीच मई 2020 में एक रैंकिंग आई है, एक एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया ने एक रैंकिंग जारी की है गवर्नमेंट फंडेड 150 यानी 150 यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें उन्होंने रैंक दिया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2020 में शामिल है सीयूसेट में, उसमें टॉप पे है। आपको ये बता दें कैसी की गई है रैंकिंग, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आप स्लाइड्स की मदद से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि रैंकिंग के क्या क्या पैरामीटर्स थे और कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है। आगे स्लाइड्स को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है और आप कहाँ एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं, ले सकते हैं। आपको ये बता दें कि एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 6 जून 2020 है, तो आप बिल्कुल देर ना करें, आप टाइम पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करें। तो आगे आप स्लाइड्स को ध्यान से देखिए। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2020-21, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बिहार में नंबर वन यूनिवर्सिटी है, जबकि इंडिया रैंकिंग 56 है। दूसरी यूनिवर्सिटी बिहार से नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर है, जिसकी इंडिया रैंकिंग 59 है। इंडिया टॉप 150 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लीग टेबल आप देख सकते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ में ये स्कोर दिया गया है। टोटल स्कोर 1300 था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार टॉप में आपको दिख रही है 56 रैंकिंग। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रैंकिंग आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। साथ ही साथ टोटल स्कोर दिया गया है ग्रीन कलर के बॉक्स में राइट साइड में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टोटल 835 स्कोर मिले हैं आउट ऑफ 1300। रैंकिंग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की 91, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 97, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 102, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 104, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 105, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 109, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 110। तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही है सीयूसेट 2020 में, उसकी रैंकिंग आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्लाइड्स के माध्यम से। आप स्लाइड को पॉज कर सारी रैंकिंग को आराम से पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद, स्लाइड्स को देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है, कौन सी बेस्ट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सारी यूनिवर्सिटीज में अच्छी है, ऑल इंडिया रैंकिंग 56 है। नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही है उसमें नंबर वन है, तो आप सबसे पहले मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। फिर भी आप अपने कन्वीनियंस कंफर्ट को देख लें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये बात पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए।